फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा फ़ोन के बारे में, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये होने वाली है। हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे और लुक वाइज फ़ोन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे इसके फीचर हैं, इसमें 3G 4G 5G आपको स्लॉट देखने को मिल जाएगा और स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ फ़ोन रन करेगा। फ़ोन होगा 12 GB का और 256 GB इंटरनल होगा। इसकी बैटरी होने वाली है 5000 mAh की, जो सपोर्ट करेगी 45 वाट फास्ट चार्जिंग को। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले होने वाला है 6.86 इंच का, 144Hz का रिफ्रेश रेट और पंच होल डिस्प्ले होने वाला है। कैमरे की बात करें तो कैमरा होने वाला है 200 MP का और फ्रंट का होने वाला है 50 MP का। फ़ोन रन करेगा एंड्रॉयड 14 पे और मेमोरी कार्ड फ़ोन सपोर्ट नहीं करेगा। डिटेल से स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फ़ोन करेगा लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 14 पे और इसकी थिकनेस बात करें तो 8.2 mm का थिकनेस होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.86 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2X स्क्रीन का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा और कप डिस्प्ले मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास का आपको प्रोडक्शन मिलेगा। 144Hz का रिफ्रेश रेट और पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको OIS कैमरा 200 MP का क्वाड कैमरा मिलने वाला है और जिससे आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 4K का वीडियो। फ्रंट का होगा 50 MP का और टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल आपको बता चुके हैं। इसमें अक्टा कोर प्रोसेसर होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 चिपसेट काम करेगा और 256 GB का आपको इसमें स्टोरेज देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी आपको 3G 4G 5G मिल जाएगी और बोल्टी 5G मिल जाएगा। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिल जाएगा और USB-C वर्जन 3.2 मिल जाएगी। बैटरी की हम बात करें तो बैटरी यहाँ पे मिल जाएगी 5000 mAh की और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी और आप वायरलेस अगर चार्ज करते हैं तो ये 25 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी और रिवर्स चार्ज करेंगे तो 10 वाट का रिवर्स चार्ज देगा। फ्रेंड, इसके फुल स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो मॉडल नंबर होने वाला है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और इसके स्क्रीन की बात करें तो कलर डायनेमिक होने वाली है और आपको सभी प्रकार के आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाएंगे। और स्टोरेज टाइप आप इसमें देखेंगे तो UFS 4.0 मिलने वाला है, जो कि वेरी फास्ट होने वाला है। कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलेगा, 5G मिलेगा और आप दोनों सिम वोल्टेज यूज कर पाएंगे और इसमें ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिल जाएगा आपको देखने को। अगर आप हेडफोन यूज करना चाहते हैं तो आप USB-C टाइप का आप हेडफोन जैक यूज कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें कैमरे 200 MP का होने वाला है और एक दूसरा कैमरा जो होने वाला है 50 MP का और टेलीस्कोप कैमरा होने वाला है 50 MP का और 10 MP का ऑटो फोकस वाला, तो आपको क्वाड कैमरा मिलेगा इसमें, जिससे आप 4K का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आपको फ्रंट कैमरा भी मिलेगा जिसे फ्लैश स्क्रीन के साथ मिलेगा और इससे आप 1080p का वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसमें एंड्रॉइड 14 रन करेगा, इसमें कस्टम UI 7.1 काम करेगा। फ्रेंड, फोन बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, कुछ दिन में ये लॉन्च हो जाएगा।